वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी विशाली। अभी शाम के 4 आई थिंक बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मामा के घर पे, यानी मेरे मामा के घर पे, जिगी की नानी के घर पे जा रहे हैं हम। और काफी टाइम से मैं गई नहीं हूँ और कल है जन्माष्टमी, तो मम्मा ने बोला था आज आ जाना घर पे, तो बस वहीं जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत सामान भी खरीदना है जन्माष्टमी का, तो मैंने सोचा वहीं से खरीद लेते हैं इस बार। कृष्णा जी का जो अभी मैं नाम नहीं लूंगी उस चीज़ का, क्योंकि हमारे में उसका नाम नहीं लेते हैं, पर जब खरीदूंगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। और बाकी यहाँ घर का सामान तो ले आए थे ये पहले जाकर, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आप लोगों ने अभी इससे पहले मेरे मचेल के व्लॉग्स देखे होंगे, हम लोग उसके बाद पत्नी टॉप रुके थे, आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं वहाँ से ये बनवा के लाई थी। सी, मैंने अपने नाम का ये बनाया, चिनार पत्ता है ना, चिनार का लीफ, और उस पर अपना नाम लिखाया है, ठीक है। तो ये बहुत क्यूट लग रहा था, मैं जो इसलिए ले लिया मैंने। तो चलो जब मैं वहाँ पे सामान खरीदने जाऊँगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और मिलते हैं आपको घर जाके। बाय। गाइस फाइनली यहाँ मैं मम्मा के घर में पहुँच गई थी। और गाइस प्लीज़ पीछे का ये सारा अवॉइड करना बैकग्राउंड, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मा की शॉप है, तो जितना भी सारा स्टॉक है वो सब बाहर ही रहता है। एंड आते ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, झपटा मारा फ्रिज के ऊपर, और जो मुझे दिखा अच्छा सा वो मैंने पीने लग गई। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे इसी बात के लिए डांट रहे थे कि मम्मा आप इसको मना क्यों नहीं करते, बट मम्मा मम्मा होती है यार, वो क्यों मना करेंगे मुझे, मैं उनके फ्रिज से निकाल के पी रही हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मोमोज खाए, मोमोज खाने के बाद हमें जाना था मार्केट कुछ सामान खरीदने, तो हम लोग निकल गए। और ये शॉप थी ओपन, और भी 3-4 शॉप्स ओपन थी, बाकी सब बंद था, नई बस्ती गए थे हम लोग। तो इस शॉप से मुझे पसंद तो बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स आए कान्हा जी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे कान्हा जी छोटू से हैं तो उनकी साइज के क्लोथ्स नहीं थे, जो थे वो बहुत सिंपल थे तो मुझे वो लेने नहीं थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और ज़्यादा एक्सप्लोर किया। ये जो आप हाथ में देख रहे हो ना पकड़ा हुआ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट ये उनके साइज का नहीं था तो मुझे छोड़ना पड़ा। और भी मैं देख रही थी कि कहीं मुझे मिल जाए, बट नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से वॉक थ्रू कर लिया एंड हम लोग गए आगे वाली शॉप पे। तो वहाँ पे काफ़ी रश था, बट मुझे मिल गया अपना मनपसंद क्लोथ जो कान्हा जी के लिए मैंने लेना था, और मुझे जिसमें कान्हा जी को विराजमान करना था वो चीज़ भी लेनी थी, और मुझे उनका नाम नहीं लेना, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि हम लोगों में उनका नाम नहीं लेते हैं। फिर हम लोगों ने खाए गोलगप्पे और हम लोगों ने थोड़ा सा वॉक किया, क्योंकि आज पूरा दिन मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी रखा था मम्मा के घर पे, कोल्ड ड्रिंक बस इतना ही किया था मैंने। मन तो बहुत कुछ था कान्हा जी का लेने के लिए, बट मार्केट पूरी की पूरी बंद थी, आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आगे का आप लोग देख लो। गाइज अभी हम लोगों ने सामान वगैरह खरीद लिया, और मैं ज़्यादा पास से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। तो सामान वगैरह खरीद लिया कृष्णा जी का, कल जन्माष्टमी है इस वजह से, और मैंने सोचा है कि मैं जो मचेल वाले व्लॉग्स हैं वो बाद में डाल लूँगी, ये वाले न्यू व्लॉग्स हैं जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो ये वाले डालूँगी पहले, जैसे जन्माष्टमी आज जो ये वाला व्लॉग है और जन्माष्टमी वाला वो पहले डालूँगी, मचेल वाला बाद में डालूँगी, ठीक है। सामान ले लिया, सामान घर जाके आपको दिखाती हूँ। और जीगी ने यहाँ पे बैलून्स ले लिए मासी से जिद करके, देख लो इसने मासी को दुखी कर दिया। तो चलो अब घर चल के आपसे बातें करते हैं। आई थिंक आपको आवाज़, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है थोड़ी मैनेज कर लेना। तो अभी रुके हैं यहाँ पे, मैं बैठी हूँ फॉर द जूस, और अभी मेरा ना दिल का डर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, मतलब पहले मैं बात नहीं कर पाती थी, अब मैं बात कर पा रही हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है बात करके। चलो घर चल के बताऊँगी, मैंने वो भी लिए जूस, मैं इनकी बात कर रही थी, ये मैं आपको घर जाके बताऊंगी, क्योंकि इनका मेरे को नाम नहीं लेना है, तो आपको घर जाके बताऊंगी, ठीक है। अभी जूस पीते हैं और फिर निकलते हैं घर से। बाय। गाइज अभी सब कुछ रेडी हो गया है, मतलब मैंने सारा सामान वगैरह ले लिया, पीछे रखा है, और अब हम घर जा रहे हैं।
काफी ज्यादा लेट हो गया, 9 बज गए हैं रात के। घर जाके आपको बताऊंगी कि क्या क्या सामान लिया है, ठीक है? तो चलो घर चलते, मिलते हैं, बाय। तो मैं आ गई थी अभी, अभी नहीं आई हूँ, मुझे आए हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। मम्मा के पास बैठी थी और मम्मा को सामान वगैरह दिखा रही थी। फिर मम्मा गए हैं इसका दूध लेने के लिए, तो मैंने सोचा आपको सामान वगैरह दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैं हमने मचेल से लाया था, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। वेट सी, अब ये भी आ जाएगी साथ में देखने को। ये हमने ना वहाँ पे मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब लोगों के लिए, खैर जम्मू से ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट अच्छी लगी कुछ चीज़ें, ये हमने वहाँ से लिया, मुझे बहुत प्यारा लगा। इसमें कोई और डिज़ाइन नहीं था तो अनफॉर्चुनेटली मुझे यही लेना पड़ा। इसमें एक था पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का, बट वो बहुत छोटा था, इतना सा था, तो वो मुझे उतना क्या करना था, एटलीस्ट किसी में सब्ज़ी वगैरह आ जाए, मुझे वो चाहिए था। ये है, और इसका मैं ऊपर का जो ढक्कन होता है ना वो दिखाती हूँ आपको। वेट, ये है ना क्यूट सा, इतना क्यूट है ये, देखो ये आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ बच, ठीक है, तो ये लिया था एक हमने वहाँ से, बाकी दिखाती हूँ। वेट, ठीक है, एक ये लाए थे और अभी कपड़े लेके आई हूँ मैं कृष्णा जी, ये लाए कृष्णा जी के कपड़े, इतना प्यारा सा ड्रेस है, पिंक कलर का, हर बार मैं लेकर आती हूँ। पिछले बार मैंने ग्रीन कलर का लाया था शायद, या पर्पल कलर का लाया था, मुझे याद नहीं, और इस बार मैंने पिंक कलर का लाया। और ये लाए मैंने मोर पंख, आई गो, इसमें सब कुछ आ जाता है, मुकुट, माला, गले की माला, ये पता नहीं, ये इसका मुझे आज तक समझ नहीं आया ये किस काम का है, ठीक है देख लेंगे। एक ये लाया, एक मुकुट था, और एक ना मैंने हाथ के भी डाले थे, उन्होंने वो डाली नहीं, आई डोंट नो ये, ठीक है, ये मैंने इसके साथ मैच करके लिया क्योंकि इसमें येलो कलर था, तो उस वजह से पिंक पिंक ज़्यादा पिंक होता था। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ली है वो ना करो, तो मैंने लिए हैं कान्हा जी के लिए, अपने कान्हा जी के लिए, ओके, अपने कान्हा जी के लिए पमूड़ा, इसको बोलते हैं पमूड़ा, हम, मेरे को उसका नाम नहीं लेना है तो मैं ये पमूड़ा बोल सकती हूँ। तो ये लिए मैंने अपने कान्हा जी के लिए, बहुत क्यूट है ना। अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं सफाई करूं, तो मैं सोच रही हूं सुबह उठ के अपना हेयर वॉश करके मंदिर वगैरह साफ कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूं क्योंकि आज सुबह से मैं काम में लगी हूं सुबह से के। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और कल का जन्माष्टमी का व्लॉग भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई तो। मार्केट में मैंने आप लोगों से बात की थी, बट आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दी होगी कि नहीं, नहीं दी होगी तो मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, ठीक है। तो चलो अब फ्रूट्स वगैरह हम लोग, हाँ जी, फ्रूट्स वगैरह हम लोग मम्मा के घर जाने से पहले ही ले आए थे। तो बस यही है आज की अपडेट। और यस, मैं आप लोगों को बताया नहीं कि मेरी ताई जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, इन द सेंस कि मतलब बीमार हो गए हैं वो, उनको इन्फेक्शन हो गई है पेट में, तो आज उनके पास भी गए थे मैं और ये गए थे उनसे मिलने के लिए, तो मैं आपको बता नहीं पाई क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा उनका बीच में लेना, ऐसे मैं लेती हूँ उनको बीच में, आप लोगों ने देखे भी होंगे, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैंने लिए नहीं, बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी उनसे मिलने मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग प्रे करना कि जल्दी से जल्दी ताई जी ठीक हो जाए, एंड पहले जैसे तंदुरुस्त और मोटी हो जाए, क्योंकि मैं उनको प्यार से मोटी बोलती हूँ, मोटो बोलती हूँ, तो पहले जैसे अच्छे से मोटू हो जाए, तो गॉड ब्लेस सर, ठीक है। तो चलो अब खाना वाना खाते हैं और सोते हैं, क्योंकि मुझे बहुत नींद आई है बहुत ज़्यादा, मैं तो खाना नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि पानी पी के मेरी बस हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और इसको देखो, हाय मामा, सो याद आई, हमें यहाँ से सुबह जल्दी उठना है, तो बाय। The next day. Hi guys, good morning. तो आज है जन्माष्टमी, तो happy जन्माष्टमी to all of you. And अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, रेडी मतलब वही कपड़े पहने हैं क्योंकि मुझे अभी मंदिर साफ करना है, तो पूजा वूजा तो शाम में होगी, तो कपड़े मैंने अभी यही वाले पहने हैं क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, शाम में रेडी होंगे जब हम लोग कान्हा जी को सजाएंगे, तो अभी मुझे पूजा रूम भी साफ करना है और कान्हा जी को भी नहलाना है, तो जीकी को मैंने अपने साथ नहला दिया था, तो बस अब चलते हैं मंदिर साफ करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज हम लोगों के फास्ट भी हैं, आई थिंक आप सब पी के भी फास्ट होंगे, सो वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी चलते हैं आपसे मंदिर में, मिलते हैं, बाय। तो गाइस यहाँ मैं आ गई थी नीचे मंदिर साफ़ करने के लिए, और मंदिर साफ़ करते करते मुझे अचानक से याद आया कि ये जो आप कपड़ा नीचे देख रहे हो मंदिर में डाला हुआ पिंक कलर का, ये तो मैं लेकर ही नहीं आई थी न्यू वाला ना, तो हर साल नया लेके आती हूँ, तो इस बार लाया ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा इनके साथ जाऊँगी और लेके आऊँगी, पर मुझे पता चला वो तो दूध ही लेने गए हैं बाज़ार,
क्योंकि हम लोगों को कृष्णा जी को स्नान करवाना था दूध दही से, इस वजह से। तो फिर तब तक मैंने मंदिर अच्छे से क्लीन कर लिया, ये सोच के कि जैसे ही वो आएंगे मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तो मंदिर साफ कर ही रही थी, कपड़ा डाल ही रही थी कि जिगी और जिगी के पापा आ गए और ये लेकर आए थे दूध दही और फ्रूट लेके आए थे जो कान्हा जी को प्रसाद चढ़ाना था, क्योंकि रात में जो ये फ्रूट लेके आए थे वो हम लोगों का फास्ट वाला फ्रूट था इस वजह से। तो यहाँ मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर करके रख रही थी और इतनी देर मैंने आवाज़ मारी कि चल पहले कपड़ा लेके आते हैं। तो फिर मैं चली गई कपड़ा लेने और आप मुझे बताना कि ये क्लोथ कैसा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऐसा मैंने सोचा था मैं येलो कलर का लूँगी बट वो कुछ इतना खास नहीं था, बट ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको। तो अगली बारी मैं सोच रही हूँ ना कि कृष्णा जी के लिए क्लोथ खुद बनाऊँगी, लेट्स सी मैं बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। और दूसरी तरफ ये पीतल के बर्तन को साफ कर रहे थे, ये ना कोई पाउडर लेके आए थे, आई थिंक ये पीताम्बरी नाम है इसका। तो बहुत अच्छे से इन्होंने पीतल के बर्तन बिल्कुल चमका दिए, वाइट कर दिए, देखो कितने क्लीन हो गए ना। और उसके बाद हम लोगों ने स्नान शुरू कर दिया। तो साईं बाबा जी को, कान्हा जी को, लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, ये सबको स्नान करवाया हम लोगों ने। तो पहले गंगा जल से किया, उसके बाद हम लोगों ने दही से स्नान करवाया, फिर पानी से करवाया, फिर अगेन शहद से करवाया, फिर पानी से करवाया एंड देन लास्ट में दूध से स्नान करवाया, फिर अगेन पानी से करवाया। ठीक है, तो आप लोग देख लो कैसे किया। स्नान वगैरह करके हो गया, फिर हम लोगों ने कान्हा जी को अच्छे से सजाया, कपड़े वगैरह डलवाए सुंदर से जो हम लोगों ने लाए थे, फिर ज्वेलरी वगैरह जो भी लाई थी वो सब किया और फूलों की माला चढ़ा दी। तो गाइस फाइनली इंतजार हुआ खत्म, देख लो हमारे कान्हा जी कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो ये वाले पिंक कलर के क्लोथ्स में इनके लिए लेके आई थी और हमने चढ़ाई ये फूलों की माला, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं इनके लिए लेके आई थी विराजमान करने के लिए इनके, जिनका मैं नाम नहीं लेने वाली हूँ, तो वो भी देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, वो दिख ही नहीं रहा एक्चुअली क्योंकि उसको मैंने फूलों से कवर कर लिया था। फिर हम लोगों ने जगाई जोत एंड भोग लगा दिया फ्रूट्स का, जिसमें पेयर थे, एप्पल थे एंड बनाना था। ठीक है, उसके बाद गाइस मेरा ना बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया था क्योंकि 12:30 बज चुके थे हमें यहीं पे। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, नजर न लगे हमारे कान्हा जी को, टच वर्ड। उसके बाद हम लोगों ने खाया फलवार, ये देखो टिक्किया बनवाई थी एंड काशी फल जो होता है उसके पकोड़े बनाए थे और दही वाले आलू एंड देन ये चाय, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए क्योंकि मेरा बीपी लो हो चुका था। 2000 years later सुबह से व्लॉग में अब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आज दोपहर में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आई डोंट नो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि मेरी आईज़ के ऊपर किसी ने इतना भार डाल दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जब भी फास्ट रख रही हूँ ना, अभी सावन के व्रत भी गए थे तब से मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि उससे पहले भी मैंने फास्ट रखे हैं, मुझे तब कभी दिक्कत नहीं हुई है, बट जो कि सावन का व्रत मैंने रखा ना उसके बाद से मुझे इतनी दिक्कत होने लग गई है कि मैं ऐसे चाहे मैं कुछ ना खाऊं पर जिस दिन मेरा फास्ट होता है ना उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा हेडेक होने लग जाता है, आईज़ के ऊपर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना भार डाल दिया किसी ने। एनीवेज तो मैं सो गई थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया एंड अभी शाम में हिम्मत करके मैं उठी हूँ कि नहीं यार जन्माष्टमी है उठते हैं, तो मैं उठ के गई थी नीचे सजाया थोड़ा बहुत, बट मैंने सोचा जितना सोचा था कि बैलून्स वगैरह के साथ सजाऊंगी वो सब कुछ मैं नहीं डेकोरेट कर पाई, बट फ्लावर के साथ जितना मैंने किया मैंने उतना कर दिया, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया मैंने, तो आप लोग देख लेना एंड बताना ज़रूर कि कैसा हुआ मेरे इतने एफर्ट्स के लिए। प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दिया करो यार, आप लोगों के लाइक्स नहीं ना जब आते तो डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट फिर भी मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये मेरा पैशन बन गया है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है व्लॉग्स बनाने के लिए। सो या, और यहाँ मेरा कान्हा, इसको मैंने कान्हा बनाया था और इसने विद इन 5 और 6 सेकेंड्स में इसने अपना सारा कुछ उतारा। मैं सिर्फ मेकअप करने जा रही थी इसको, मतलब वो पोल्का डॉट्स जो लगाते हैं और तिलक लगाता है वो लगाने जा रही थी, बट इसने विदिन अ सेकेंड इसने सब कुछ उतार दिया, कुछ भी नहीं पहना। एनीवेज ये तो बच्चों का चलता रहेगा तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैंने इसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि नहीं तुम्हें फोटोज़ वगैरह लेने, कुछ भी नहीं। सो या गाइस, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, और ये व्लॉग मैंने आप लोगों को पहले बोला था, मेरी मचिल की सीरीज़ अभी चल रही है
बट वो भी व्लॉग्स पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उसको मैं बाद में कंटिन्यू कर सकती हूँ। ये वाला व्लॉग अभी रिसेंट वाला व्लॉग है, तो ये मैं पहले एडिट करके डाल दूंगी। अभी मैं एंड कर रही हूँ, अभी मैं एडिट करूँगी, और चाहे मुझे 12 बजे चाहे मुझे 1 बजे, बट मैं आज या सुबह तक ये व्लॉग डाल दूंगी, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग। अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग, मेरा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली, अच्छा लगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, प्लीज़, बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो बाय, टेक केयर, लव यू।